तो क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे बाबा? नहीं, जितनी गोली अच्छी थी आप पे, हर गोली का जवाब हजार गोलियों से दूंगा। कैसा है प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार में उनका लुक? ये लुक सबको दीवाना कैसे बना रहा है? क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें? बाहुबली प्रभास ने इस साल तो गजब ही कर दिया दोस्तों, एक के बाद एक फिल्मों की अनाउंसमेंट बस करते ही जा रहे हैं। और हाल ही में जब खबर आई थी कि वो KGF चैप्टर 1 के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम करने वाले हैं, फिल्म आने वाली इन दोनों की, तो सब इसका वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है। भयंकर बज इसने बना दिया था और फाइनली अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है, जो कि काफी जल्दी है, एकदम से सरप्राइज करके रख दिया है। आपको बता दें इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क भी शुरू हो गया है और इस फिल्म का नाम सलार है। फर्स्ट लुक शेयर किया है प्रशांत नील ने, जो कि फिल्म के डायरेक्टर है। ये लुक बहुत ज्यादा भयंकर है, पूरा डार्क गन के साथ दिख रहे प्रभास, और ये काफी इंटेंस लुक उनका नजर आ रहा है। और ये फिल्म भरपूर एक्शन से भरी हुई होगी। आपको बता दें इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए, पोस्टर पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है प्रशांत नील ने कि सबसे ज्यादा हिंसक लोग एक आदमी को सबसे ज्यादा हिंसक बोलते हैं। ये शेयर करते हुए उन्होंने ये पिक्चर शेयर किया है जो धमाकेदार है, और जैसा कि लुक से ही लग रहा है कि काफ़ी भयंकर एक्शन इस फिल्म में करने वाले हैं प्रभास। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल के बीच में कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त प्रभास के बाद बहुत सारी फिल्में हैं। आपको बता दें सलार को 5 भाषाओं में रिलीज़ किया जाना है, पैन इंडिया ये फिल्म होने वाली है। प्रभास KGF चैप्टर 2 की शूटिंग पूरी होने के बाद ही इस फिल्म में काम कर पाएंगी, क्योंकि प्रशांत नील इस फिल्म में बिजी है, इसीलिए प्रभास के लिए भी मुश्किल होगा अभी इस फिल्म में काम करना। प्रभास के पास अभी 3 प्रोजेक्ट है। फिलहाल वो राधे श्याम की शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, और उसके बाद वो आदि पुरु शूटिंग करेंगे हैदराबाद में, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होगी, यानी कि उसके बाद ही इस फिल्म की शूटिंग कर पाएंगे और 2022 में जाकर इसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब साउथ का एक सुपरस्टार, साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम करे। और प्रशांत नील ने जब से KGF चैप्टर 1 बनाई है, तब से तो उनकी धाक जम गई है, सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ में भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें की जा रही है, उनके प्रशंसक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो ये एक डायनमिक कॉम्बो है और बहुत भयंकर कॉम्बो है कि दो बड़े बड़े सितारे एक साथ नज़र आएंगे। तो दोस्तों आपको ये लुक कैसा लगा, कितना इंतज़ार रहता है प्रभास की फिल्मों का और सलार का कितना इंतज़ार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।